गुड मॉर्निंग। आज का दिन है 17 जुलाई और आज दिन है मंगलवार का, और हम लोगों ने हुंडई से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ हमारा जो KMPL टेस्टिंग है वो कीजिए, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का जो कार है वो लगातार बहुत ही कम एवरेज देता है। तो मेरे साथ है प्रवीण, मेरे साथ है बिंजोला, और हम लोग जा रहे हैं आज टेस्टिंग करने के लिए, और इसका पूरा का पूरा टेस्टिंग होगा। अगर आप i20 लेने में इंटरेस्टेड हैं या आप i20 लेना चाहते हैं या आपके पास i20 है, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कैम की एक्चुअल में ये कितने का एवरेज देती है, और आपको पावर चाहिए या आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एवरेज चाहिए, तो ये चीज़ आज डिफाइन होगा। क्योंकि मेरे को तो लगता है मुझे 10 या 11 का मिलता है। आज KMPL टेस्टिंग होगी तो आज पता लगेगा एक्चुअल में कितना इसका एवरेज है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग निंबस के हुंडई शोरूम में, जो कि गाजियाबाद में लोकेट होता है, और हमारा 11 बजे का टाइमिंग था वहां पे ऑलरेडी इंजीनियर आए हुए हैं, तो उसकी पूरी की पूरी टेस्टिंग होगी। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं हम लोग निंबस के शोरूम में, और हम लोग अभी देखिए ऑन वे हैं बिल्कुल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑन वे, तो अभी बस हम चलते हैं सीधा, एंड देन फिर आपको बताते हैं आगे का क्या भी क्या प्रोसेस है, क्या होगा। तो चलिए गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये देखेंगे, ये पूरा 1 लीटर का कैन है, आप देखेंगे 1 लीटर पूरा फिल हुआ है यहाँ पर, और ये जो है ये इसकी मशीन है आप सामने देख रहे हैं, और ये हो जाएगी i20 कार से कनेक्ट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाता है, तो उसकी पूरी टेस्टिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पिछले आधे घंटे से, और कार का अडेप्टर ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं, बट कार का अडेप्टर ठीक नहीं हो रहा। बिंजोला भाई हमारे मैकेनिक, प्रवीण, हम तीनों लोग यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि कार कब जाके कनेक्ट हो जाए। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये मशीन है और ये इस तरह से कनेक्ट होता है, तो इसके साथ अडेप्टर ख़राब हो गया है, तो उसी चीज़ को हम लोग अभी ये लोग अभी फिक्स कर रहे हैं यहाँ के इंजीनियर। तो अभी जैसे ही फिक्स होगा फिर हम चलेंगे, अभी तो बस ऐसे गर्मी में बैठे हुए हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये सारा का सारा सेटअप है, ये पूरा पूरा सेटअप है। आप थोड़ा सा ये बताएंगे प्रदीप जी सर सेटअप के बारे में। इसको सारा देख लिया है आपने, पीछे से वो बंद कर दिया हमने, पेट्रोल टैंक से कनेक्शन खत्म कर दिया अपने इसे। आप देख रहे हैं अभी पूरा 1 लीटर है, और ये पूरा पूरा टेस्टिंग होगा, अभी हम चलते हैं। आप देख लो मीटर भी देख लो। हाँ, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हम लोग हुंडई के शोरूम से निकल चुके हैं, और प्रदीप जी हमारे साथ हैं, पीछे हैं इनके साथ एक और, तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये सेटअप है, और चल चुका है हम कार यहाँ से। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं हम लोग अभी चल रहे हैं, और ये कार रनिंग में है, समय चल चुका है 7.7 किलोमीटर, और यहाँ पर और पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म पे है आप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 10 की भी एवरेज देगी। ठीक है, हमने देखा कि इसका जो एवरेज है ये एवरेज है 10.5 का, और पेट्रोल ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म, हमारी कार मिड रोड पर रुक चुकी है। तो अभी हम लोग कार का जो सिस्टम है इसको चेंज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये सारा सिस्टम है, ये सिस्टम चेंज होगा, और एवरेज जो निकली है ये निकली है 10.5 का, और 10.5 में से जो 7 किलोमीटर था वो कुछ इस तरीके का रोड था, 3 लेन रोड था, उसके बाद ये एवरेज निकली है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप हुंडई का ले सकते हैं कार या नहीं ले सकती है, क्या सीन है इसका मुझे नहीं पता। बाकी कार का मैं इसको चलाता था, मुझे इतना एवरेज देता था, इसलिए मैंने इसकी टेस्टिंग की, मैंने इसका पता लगाया क्या फिर ये कितने का एवरेज देता है, क्या सीन है। तो अभी तो एवरेज यही है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी चलिए मैं अगर हो सकता तो इसका एक बार और टेस्टिंग हूँ फिर से, तो देखते हैं, बाकी तो आपको बता दूंगा मैं। ये 1 लीटर का हमने फिर से फिल किया है, और ये फिर से एक बार टेस्टिंग होगी। तो एक बार टेस्टिंग हुई जिसमें निकला 10.5, अभी दोबारा टेस्टिंग होगी 1 लीटर की, तो दोबारा देखते हैं कितना निकलता है। तो गाइस एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं टेस्टिंग करने के लिए, मेरे साथ हैं फिर से प्रदीप जी, और मैं अपना सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, और पीछे प्रवीण भी आ चुका है जो कि डिक्की में बैठा हुआ है, और हम लोग अभी चल रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे चल रहा है 8.5 डैशबोर्ड पे, और 8.5 चल रहा है, पीछे मैं दोबारा से एक बार दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं पूरा एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है पेट्रोल। तो आप देख रहे हैं एवरेज कितनी है इस कार की, और अभी ये कार में ये सारे चेंजेस हुआ है, चेंजेस होने के बाद ही हुआ है, तो चेंजेस होने के बाद देख रहे हैं बहुत ही माइनर पेट्रोल बचा हुआ है इसमें। तो अभी हो गया 8.8, तो देखते हैं कहाँ तक चलता है ये। अभी भी आपको पूरा का पूरा किलोमीटर का टेस्टिंग दिखाया, ये पूरा अपने हमारी टंकी देखिए, पूरी टंकी खाली हो चुकी है आप देख रहे हैं। तो अब सीन ये है कि अभी जो हमें एवरेज मिला है वो एवरेज मिला है हमें 10.9 का। तो गाइस हम लोगों ने पेट्रोल की टेस्टिंग की, आपको हमने दिखाया एक बार जो टेस्टिंग हुआ उसका आया 10.5, एक बार जो टेस्टिंग हुआ उसका आया 10.9, है ना, 11 मान लेते हैं, 11 का एवरेज आया। और मेरे साथ हैं दो हुंडई के कर्मचारी बैठे हुए, एक है आलम सर बिलाल भाई, दूसरे हैं प्रदीप जिन्होंने पेट्रोल सुहा सुहा के नशा चढ़वा दिया है। तो आप बताइए इतनी ही एवरेज मिलने वाली है आगे फ्यूचर में भी हुंडई से?
अभी कुछ बोलेंगे नहीं, बेचारे डर रहे हैं हुंडई वाले कुछ परेशान नहीं करते। तो गाइस मैं बता दूं, अगर आप हुंडई की कार ले रहे हैं तो देखिए आपको यही एवरेज मिलेगा, मतलब 11 12 13 का मिल जाए वो मैटर करता है कार का, बट हमें तो 10 11 का ही मिला था। हमने आज पूरी टेस्टिंग कर ली, और टेस्टिंग करने के बीच में दो चीजें, एक तो कभी भी अगर आप अपना पेट्रोल का टेस्टिंग करें तो ऑथराइज शोरूम से ही करें टेस्टिंग। दूसरी चीज, अगर आप पेट्रोल की टेस्टिंग कर रहे हैं और कार में बैठे हैं तो सही बता रहा हूँ, आपके में नशा चढ़ जाएगा पूरा। तो ये चीजें भी हैं, और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और लोगों को पता लगे एवरेज कितनी आती है, क्या एवरेज है। और मैं देख रहे थे, मैं हुंडई के ही इनके हुंडई की शोरूम बैठा हूँ, उन लोगों के सामने ही बोल रहा हूँ। तो यही चीज है, अब देख रहे दोनों लोग शांत है, तो मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ।